दोस्तों सलाम अलैकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आ गए हैं ठीक एक इंटीरियर इलाका, ये ग्रामीण क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? गांव का क्षेत्र है। इस गांव का क्या नाम बताएं? कलिया सोता, जो पुरलिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नितुड़िया थाना और रघुनाथपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। इस गाँव में जितने भी आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं सब जंतु प्रेमी आदमी हैं। इन लोग को भी गहरा जीव जंतु से लगाव है और खास करके सांप को ये लोग कभी मारने का प्रयास भी नहीं किए हैं। ये लोग क्या करते हैं, अगर हम लेट किए घर से आने में, तो दो चार एक्सपर्ट है जो देखिए आपके सामने खड़े हैं। एक ये एक्सपर्ट हो गए और एक भैया ये है, एक भाई और है जो एक अजगर सांप को अपना दिमाग से, बुद्धि से एक बोरा में लॉक कर दिया है कि मुबारक अंकल आएंगे और इसे लेकर के अपना रेस्क्यू सेंटर में चले जाएंगे। तो हम तो इनको सलाम करते हैं कि मेरे काम को ये हल्का कर रहे हैं, यानी हमारा काम बट रहा है। हमें खुशी है इस चीज का कि लोग इसे मारते नहीं है बल्कि बचाव हेतु हमें बुलाते हैं। और जब हमारा लेट सेट होता है तो ये लोग अपने दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से इसे एक क्या कहा जाए, प्लास्टिक का बोरी में रख दिए हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके भीतर में एक अजगर, बेबी अजगर है, यह भी अजगर बच्चा है। तो हम चाहेंगे कि आपके सामने इसे दिखलाना। तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं। तो और एक चीज, छोटा सा चीज हम बताना चाहेंगे, एक और हमारे दोस्त हैं जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जाहिद हुसैन जी। जाहिद हुसैन जी भी जीव जंतु प्रेमी आदमी है जो लखनऊ नवाबों का शहर से जुड़े हुए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस में उन्होंने, जाहिद जी ने बहुत सारा पेड़ों को, वृक्षों को लगाया है। तो आप लोग भी ज्यादा गाछ वृक्ष लगाइएगा तो सांप इंसानी बस्तियों में आना बंद हो जाएगा। आज का जो वातावरण है, टेम्परेचर हाई है, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। इसीलिए सेफ ट्री सेफ स्नैक। अगर आप हेलमेट पहन के चलाते हैं तो सेफ ड्राइव, हेलमेट पहनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसी तरह सेफ ट्री सेफ स्नैक, सेफ लाइफ सेफ स्नैक। तो आप देखिए एक अजगर, जिसे इंडिया का सबसे ताकतवर सांपों में एक सांप, इस सांप के अंदर ताकत बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा भी जहरीला सांप नहीं है। काटता बहुत जोर है लेकिन ये जहरीला नहीं है। थोड़ा हमारा इंस्ट्रूमेंट दीजिए आप लोग। दोस्तों ये छोटा मोटा गांव वालों के तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है कि लोगों के बारे में, लोगों को सांपों के बारे में थोड़ा सा जानकारियां चाहिए कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे आप लोग से कि भारत में 95% सांप में जहर नहीं होता है और 95% लोगों के काटने के बाद लोग एक दूसरे को डरा देते हैं जिनके कारण भय से उनका मौत हो जाता है। तो देखिए आप लाइव, आप लोग भी थोड़ा पकड़िए, ये बेबी अजगर है। अजगर सांप जो होता है ना, अजगर सांप जितने भी होते हैं ये अपने मुंह को 180 डिग्री तक खोल लेते हैं और अपना शरीर का मोटाई से, अभी मिडिल पॉइंट इतना मोटा है, अपना शरीर का मोटाई से 1:5, यानी अभी जैसे इसका मोटाई इतना है तो इस मोटाई का 1:5, यानी 1 kg का ये आराम से मुर्गी को खा लेगा। एक अजगर को पकड़ना जैसे एक शक्तिशाली बम को डिफ्यूज करने के बराबर है। तो हम इन लोगों को दाद देना चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई लोग बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, जो आप देख ही रहे हैं एक अजगर सांप को पकड़ करके हमें दे रहे हैं ताकि इसे प्राकृतिक परिवेश में, बड़ा फॉरेस्ट एरिया में छोड़ा जाए। पहले तो ऐसा होता था कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र जहां अजगर हम पकड़ने जाते थे तो लोग कहते थे कि अजगर आप पकड़िएगा, हमारे यहां आकर के रेस्क्यू कीजिएगा, तो आप पहले हम लोग को मुर्गी एक ठो दीजिए तभी हम लोग अजगर आपको उठाने देंगे यहां से। तो क्या हुआ कि बीच बीच में, आज की बात नहीं है, 15 से 20 साल पहले बहुत सारा ऐसा गांव है
जो आदिवासी गांव है, आज भी हमारा झारखंड वेस्ट बंगाल में बहुत सारा ऐसा भी आदिवासी है जो सांप भी खा जाता है। बोलिए अगर गलत बोल रहे हैं तो, बोलिए क्या गलत हम बोल रहे हैं? नहीं गलत ना बोल रहे हैं, हम कहे कि चेंज किए हैं, हम क्या किए हैं, मुर्गी लेके गए हैं, उसको मुर्गी दी है तभी अजगर हमको दिया है। तो एक मुर्गी दो एक अजगर लो, तो हमें ऐसा लगा कि अजगर को बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुर्गी एक खाने का चीज है, उसे आप खाइए, लेकिन भूल से अजगर सांप मत खाइए, क्योंकि ये विलुप्त के कगार में है, धीरे धीरे ये घट रहा है। तो आप लोग इसे बचाए हैं, हमें दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और भी कोशिश कीजिए रेस्क्यू करके हमें दीजिए या प्राकृतिक परिवेश में छोड़ दीजिए। तो हम बात कर रहे थे सांप का, अजगर सांप जो होता है ना ये जहरीला नहीं होता है, ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन काटता बहुत जोर है, बेसी भाग एक काम और दे, किंतु निर्विष। इसके मुंह में 200 से भी ज्यादा दांत है, लेकिन 20 दंत नहीं है। अगर अजगर किसी को काट ले तो आप डिटॉल या सेवलॉन से उस जगह को साफ सुथरा कर दें, और एक टीटी जरूर लगा लें। क्या लगा लें? टीटनेस इंजेक्शन लगा लें, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। तो हम चाहेंगे कि हमारे छोटे भाई कलाम जी को भी पकड़िए इसको, ये हमारे बहुत करीब है, चूंकि हमारे यहाँ पकड़िए इस तरह। तो कलाम जी भी एक बढ़िया हमारे शुभचिंतक हैं, और हम चाहेंगे कि थोड़ा पकड़ना ही है तो थोड़ा सा ये कलाम जी है जो इस एरिया के सक्रिय कार्यकर्ता है, ये भी सांपों के बचाने का अभियान में जुटे हुए हैं। सांप बचाइए, पर्यावरण बचा रहेगा, सांपों को मारे नहीं, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं। सांपों का रक्षण से होगा पर्यावरण का संरक्षण। दोस्तों आप लाइव देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप जहां ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें, ताकि जीव जंतु से जुड़ा हुआ तमाम जानकारियां आपका मोबाइल तक पहुंचता रहे। देखते हैं हम, कोई कोई बच्चा लोग थोड़ा छू के देखो तो, तुम लोग सब धनिया पत्ता का चटनी थोड़ा थोड़ा छू लो, धरो धरो छूए, डरिए मत। हम रहे या ना रहे, मौत मुकर्रर है, कल या परसों या 10 साल बाद हम मर ही जाएंगे, लेकिन हमारा इस काम को जारी रखने के लिए देख ही रहे ना, अभी लोग बेबी है, देखिए छोटा छोटा बेबी स्नेक से भर है, अभी से ही डर खत्म है, और डर के आगे जीत है। तुम भी धरो 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 धरो। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम वर्ल्ड के लोगों को हम मैसेज देना चाहेंगे कि सांपों को मारे नहीं,